गुड आफ्टरनून बेटा, आज हम पढ़ेंगे हिंदी चैप्टर 6। ओके, हमारे चैप्टर का नाम है बेटा चोर पकड़ा गया। क्या है हमारे चैप्टर का नाम? चोर पकड़ा गया। देखिए ये हमारे चैप्टर का नाम। देन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ और पढ़ के भी बता रही हूँ। बहुत समय पहले की बात है, आगरा में अकबर नाम का एक राजा राज्य करता था। तो बहुत समय पहले की बात है, आगरा में अकबर नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके दरबार में बीरबल नाम का एक दरबारी था। बहुत पुरानी बात है बेटा। आगरा में एक अकबर नाम का राजा राज्य करता था, मतलब एक राजा था जहां उसका राज्य था। उसके दरबार में बीरबल नाम का एक दरबारी था। वह बहुत बुद्धिमान था। बेटा बुद्धिमान कौन था? जो राजा के दरबार में बीरबल काम करता था ना, वह बहुत बुद्धिमान था। वह राजा की बड़ी से बड़ी समस्या को आसानी से दूर कर देता था। मतलब उनकी जो कोई भी समस्याएं होती थी, उनका जो दरबारी था आसानी से दूर कर देता था। एक दिन एक धनी आदमी दरबार में आया। एक दिन एक धनी आदमी बेटा दरबार में आया। उसने कहा, मेरे घर का कुछ कीमती सामान चोरी हो गया है। उस आदमी ने राजा से कहा कि मेरे घर का कुछ कीमती सामान चोरी हो गया है। मुझे संदेह है कि वह सामान किसी नौकर ने ही चुराया है। किसने कहा बेटा ऐसा? जो राजा के दरबार में एक व्यक्ति आया था जिसका सामान चोरी हो गया था, उसने कहा कि मुझे संदेह है कि वह सामान किसी नौकर ने ही चुराया है। उसने राजा से कहा, आप मेरी मदद करें। ठीक है, जो व्यक्ति आया था उसने राजा से कहा, आप मेरी मदद करें। अकबर ने बीरबल से कहा, जो अकबर था, जो वहां का राजा था, उसने बीरबल से कहा, बीरबल मतलब उनका जो दरबारी था, बीरबल से कहा, इसकी मदद करो। किसकी मदद करें? जो आदमी आया था जिसके घर का कीमती सामान चोरी हो गया था, उसकी मदद करो। बीरबल उस आदमी से बोला, चिंता मत करो, आपका सारा सामान मिल जाएगा। बीरबल ने उस आदमी से कहा, चिंता मत करो, आपका सारा सामान मिल जाएगा। आप अपने नौकरों को कल मेरे पास लेकर आओ। मतलब जो बीरबल था ना, उसने उस आदमी से कहा कि चिंता मत करो, आपका सारा सामान मिल जाएगा, आपके जो भी नौकर हैं आप उन सभी नौकरों को मेरे साथ लेकर आओ। ठीक है, अगले दिन धनी आदमी अपने 3 नौकरों को अपने साथ लेकर आ गया। अगले दिन मतलब नेक्स्ट डे, जो आदमी था बहुत धनी था, वह अपने उसके पास 3 नौकर थे, 3 नौकरों को अपने साथ लेकर आ गया। बीरबल ने 3 नौकरों को कुछ देर तक ध्यान से देखा। जो बीरबल था उसने 3 नौकरों को कुछ देर तक ध्यान से देखा, फिर बोला, तुम लोगों को पता है कि सेठ जी का कुछ कीमती सामान चोरी हो गया। ऐसा कौन बोला बेटा? बीरबल ने। किससे बोला? जो धनी आदमी था उसके 3 नौकरों से बोला वो, कि तुम लोगों को पता है क्या कि सेठ जी का कुछ कीमती सामान चोरी हो गया। हमें पता है कि वह सामान तुमसे ही किसी ने चुराया है। बीरबल ने ऐसा कहा 3 नौकरों से कि हमें पता है कि वह सामान तुमसे ही, मतलब तुम में से ही, जो तुम 3 हो, तुम में से ही किसी ने चुराया है। अब या तो तुम अपने आप बता दो, बीरबल ने कहा, अब या तो तुम अपने आप बता दो कि चोरी किसने की है, हम उसे माफ कर देंगे। ऐसा किसने कहा? बीरबल ने कहा उस धनी आदमी के 3 नौकरों से।
नेक्स्ट बेटा, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला, मतलब जो तीन नौकर खड़े थे उनमें से लेकिन कोई कुछ भी नहीं बोला, ठीक है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। तब बीरबल ने कहा, बीरबल ने तीनों नौकरों से कहा, ठीक है जब तुम लोग आपस में ठीक है जब तुम लोग अपने आप बात बताने को तैयार नहीं हो, ठीक है जब तुम लोग अपने आप बताने को तैयार नहीं हो तो हमें दूसरा काम करना होगा। बीरबल ने कहा, उन तीनों नौकरों से कहा कि ठीक है जब तुम लोग अपने आप बताने को तैयार नहीं हो तो हमें दूसरा काम करना होगा। इतना कहकर बीरबल ने लकड़ी की तीन छड़े मंगाई। बेटा जो बीरबल था उसने लकड़ी की तीन छड़े मंगवाई, किसके लिए मंगवाई? उन तीनों नौकरों के लिए। फिर हर नौकर को एक छड़ देकर कहा, ये जादू की छड़े हैं। बीरबल ने कहा कि ये जादू की छड़े हैं, इन छड़ों की लंबाई बराबर है, इन्हें लेकर अपने अपने घर जाओ। बीरबल ने कहा कि जो छड़े हैं इनकी लंबाई बराबर है, इन्हें लेकर आप अपने अपने घर जाओ। मतलब बीरबल ने तीनों नौकरों के लिए कोई जादुई छड़ मंगवाए, उन्हें ऐसा बताया गया कि जादू की छड़े हैं और इन तीनों छड़ों को लेकर आप अपने अपने घर जाओ, ऐसा कह दिया गया। जिसने चोरी की है उसकी छड़ रात भर में 2 इंच बढ़ जाएगी। किसने कहा बेटा ऐसा? बीरबल ने कहा। किससे कहा? उन तीनों नौकरों से कहा कि जिसने चोरी की है उसकी छड़ रात भर में 2 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन तीनों नौकरों को फिर दरबार में बुलाया गया। नेक्स्ट डे बेटा, तीनों नौकरों को फिर दरबार में बुलाया गया। बीरबल ने तीनों की छड़ों की जांच की। तो पाया कि एक नौकर की छड़ 2 इंच छोटी हो गई थी। बीरबल ने जब उनकी छड़ों की जांच की तो पाया कि एक नौकर की छड़ 2 इंच छोटी हो गई थी। बीरबल ने उसकी ओर इशारा करके कहा, चोरी इसने की है। बीरबल ने जिस नौकर की छड़ छोटी हो गई थी ना 2 इंच, उसकी ओर इशारा करके कहा कि चोरी इसने की। उस नौकर ने इस डर से कि उसकी छड़ रात भर में 2 इंच बढ़ जाएगी, बेटा जो नौकर था ना उसने इस डर के कारण कि इसकी उस नौकर ने इस डर से कि उसकी छड़ रात भर में 2 इंच बढ़ जाएगी अपनी छड़ को 2 इंच काट दिया था। ठीक है, आया समझ बेटा? जो नौकर था जिसने चोरी की थी, तो बीरबल ने क्या कहा था? बीरबल ने तो ये कहा था ना कि जिसकी छड़ 2 इंच लंबी होगी उसी ने चोरी की है, तो उसमें से एक नौकर ने चोरी की थी। तो उस नौकर ने क्या किया पहले ही डर के कारण कि अपनी उसको लगा कि मैंने चोरी की है तो मेरी छड़ 2 इंच बढ़ जाएगी, तो उसने अपनी छड़ को 2 इंच पहले ही काट दिया था कि अब जब ये 2 इंच बढ़ेगी तो किसी को समझ में ही नहीं आएगा, इससे उसकी छड़ छोटी हो गई और वह पकड़ा गया। ठीक है ना, तो इस तरह से वो नौकर पकड़ा गया। इस तरह बीरबल की बुद्धिमानी से चोर पकड़ा गया। इस बात से अकबर बहुत खुश हुआ है। बीरबल की बुद्धिमानी से अकबर बहुत खुश हुए। बट आपको समझ में आया कि बीरबल बहुत बुद्धिमान थे, तो उनकी बुद्धिमानी से उन्होंने चोर को पकड़ लिया था और इस बात से अकबर बहुत खुश हुए।